टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन का आगाज हम श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उन एमओयूज से करते हैं जो उन्होंने प्रजा फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशंस के साथ दस्तखत किए हैं, जिनके मुताबिक वादी में तरक्याती कामों और गवर्नेंस की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी होगी। We are here today to sign a MOU with the Srinagar Municipal Corporation. We are doing three programs which in the MOU. One is the program where we are working with the young upcoming students of Srinagar. We will be working with them on understanding how they can participate and help the councillors of Srinagar. Also, we are working with the we are doing training programs with the councillors of Srinagar. हम लोग बेसिकली जो 83 प्राइमरी स्कूल्स है श्रीनगर टाउन में जो एसएमसी के अंदर है, उन स्कूलों में कैसे शिक्षा में इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए एमओयू साइन कर रहे हैं। हम तीन तरीके के काम करेंगे। जो ऑफिशियल्स है जैसे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, जोनल रिसोर्स पर्सन्स और हेड टीचर्स, ये 83 स्कूल्स के, उनके साथ लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करेंगे। और जो टीचर्स हैं, अराउंड 225 टीचर्स हैं इन 83 स्कूल में, उनके साथ पर्सपेक्टिव्स और पैडागोजी में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, उनके साथ काम करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है और मेयर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर, सभी कॉर्पोरेटर्स और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे सभी ऑफिसर्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ये दो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन आज हम सबके सम्मुख हस्ताक्षरित किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दो एमओयूज आज साइन हुए बिटवीन एसएमसी और प्रजा फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस आर्किटेक्चर और रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा कोलैबोरेशन है फॉर इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन का सेक्टर, जो अब 74th अमेंडमेंट के बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ आया है। पहली जो हमने एक टारगेट अपने सामने दिया कि हम 8 स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं, और ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होगी। तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग टू ट्रांसफॉर्म एसएमसी फ्रॉम अ डिपार्टमेंट टू अ सिटी गवर्नमेंट, टू एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये एक बहुत ही अहम हिस्टोरिक ओकेजन है हमारी नॉलेज बेसिस, हमारी टेक्निकल पार्टनरशिप में। इसके जो रिपरकशंस पॉजिटिव निकलेंगे उससे एजुकेशन सेक्टर भी इम्प्रूव होगा और उससे क्वालिटी ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस भी इम्प्रूव होगी। शोपियान जैसे दूरफ्तादा इलाके की एक लड़की जबीना बशीर ने नीट का इम्तहान पास करके इलाके के तुलबा और तालबात में एतमाद की फिजा कायम की है कि मेहनत का रास्ता इख्तियार करते हुए कोई भी तालिब इल्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पास कर सकता है। एएनआई के साथ बातचीत करते हुए जबीना का कहना था कि डॉक्टरी पढ़ना उनका ख्वाब है, जिसके लिए उनके वालदैन माली मुश्किलात के बावजूद उनका साथ दे रहे हैं।
मेरी होल फैमिली का हाथ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स का, चाहे वो प्राइमरी से अप टू हायर सेकेंडरी एंड जिनसे भी मैंने, जिस टीचर से भी आज तक, जिसने भी, जिससे भी मैंने मतलब दो ही हर्फ सीखे, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। एंड मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही, मेरी स्टार्टिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, अप टू हायर सेकेंडरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही, मतलब एजुकेशन जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही ली है। मैं यूथ्स को यही कहना चाहूँगी कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहाँ से, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। आज हमारी बहन ने नीट क्वालिफाई किया, इसकी मेहनत थी, माँ बाप की मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार उस मेहनत ने रंग लाया। तो मैं जो आने वाली जनरेशन है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसी की तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह रहमान आपका फ्यूचर आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं जो आपके गोल होगा इंशाल्लाह रहमान आप उस गोल को अचीव ज़रूर करेंगे। अनंतनाग में इंडियन आर्मी ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इसका मकसद इलाके के नौजवानों में प्ले हार्ड और स्टडी हार्डर का जज्बा पैदा करना था। इस टूर्नामेंट में आसपास के इलाकों के नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज जो ये आर्मी की तरफ से हमने ये टूर्नामेंट खेला वॉलीबॉल का, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली और हम चाहते हैं मतलब ऐसे टूर्नामेंट होते रहे ताकि हम मज़ा ले सकें इनका, और हमने यहाँ पे ट्रॉफी भी जीती तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट था, रेफरीज थे, रेफ्रेशमेंट था, सब कुछ था। तो आप चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट जो है हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए आर्मी की तरफ से, और आर्मी की तरफ से आपको इतने चीज़ जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं? जी हाँ, होने चाहिए ताकि जो यूथ है हमारी, देखिए आज आज बहुत से विलेजों से आए हैं प्लेयर्स खेल के, टैलेंट दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि और गेमें हों ताकि जो यूथ है जो कोविड से परेशान हुई है वो बाहर आए, इनका जहन जो है वो ठीक हो जाए, फ्रेश हो जाए। पूंछ में इंडियन आर्मी ने खवातीन की बहबूद की खातिर वादियां बेकरी प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है कि यहाँ पे एक बेकरी लॉन्च हुई है और यहाँ पे ये लड़कियाँ यहाँ पे जो हैं ये काम कर रही हैं, इनके एक तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक सेल हो रहे हैं? सर ये प्रोडक्ट जम्मू, दिल्ली, पुणे एंड मुंबई में होते हैं और जो इसकी सेल होती है, जो इसका प्रॉफिट आता है वो यहाँ की लड़कियों को मिलता है। हम लोगों को बहुत खुशी होती है यहाँ आकर काम करके। जो एक इंडियन आर्मी के लिए बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ गांव, हमारा गांव चुना और हमारी गांव की 12 लेडीज़ के लिए जो भी उन्होंने किया है, हम गर्व महसूस करती हैं कि इंडियन आर्मी अपने अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने देश के लिए लड़कियों को प्रेरित कर रहे हैं कि और भी वो काम करें। तो हम लोग बहुत खुश हैं, असीम फाउंडेशन का और इंडियन आर्मी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं इनका नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूं और नहायत ही शुक्रगुजार हूं कि हमारे बैकवर्ड गांव था इसको चुना। तो यहां हमारी 12 लेडीज़ जो हैं वो उस काम को जानने लगी और हमारी बेकरी जो थी, वादिया बेकरी जो थी, वो प्रोडक्ट होके पुणे तक जाने लगी और बाहर गई। तो मैं इनका नहायत ही शुक्रगुजार हूं। वादी का चर्चा हो और स्कीइंग की बात ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। गुलमर्ग के मकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने स्कीइंग की ट्रेनिंग और महारत फराहम करने की खातिर मुख्तलिफ कोर्सेज पर मबनी एक ट्रेनिंग कैंप लगाया है, जिसका हवाला आपको दिखाते हैं। अभी हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं IISM में। ये इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, स्कीइंग के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो मैं यहाँ पे बेसिक कोर्स कर रही हूँ एंड यहाँ के जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत बढ़िया है। जैसे हमें यहाँ पे न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, जो भी हमें इक्विपमेंट्स दिया जाता है वो बाहर से आए हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स वो अवेल कर रहे हैं। समर्स में हम डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कराते हैं, माउंटेन एडवेंचर कोर्स कराते हैं, पैरासेलिंग का कोर्स कराते हैं, हॉट एयर बिलोनिंग का कोर्स कराते हैं और इसका वाटर स्की का कोर्सेज कराते हैं डल लेक में। ये कोर्सेज जो हैं एडवेंचर कोर्सेज, बेसिकली ये बहुत एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का टू डेवलप द ऑलराउंड पर्सनैलिटी ऑफ आवर यूथ। And in addition to education, these courses are very useful to generate employment. क्योंकि जो भी बच्चा एक कोई भी स्किल सीख लेता है तो वो स्किल के जरिए से अपना रोज़गार पैदा कर सकता है। टूरिज़्म सेक्टर में जो बच्चे गाइड बनते हैं, जो इंस्ट्रक्टर बनते हैं, कई बच्चे अपना दे बिकम एंटरप्रेन्योर एंड दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो दे इंटरटेन टूरिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स एंड दे अर्न देयर लाइवलीहुड।
मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट पे ISM में 2020 में जब मेरा वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स से अपनी यहाँ पे शुरुआत की थी, बेसिक कोर्स के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद अभी एडवांस में अभी कर रही हूँ यहाँ पे से। और यहाँ का ISM का फैसिलिटीज, फूडिंग, स्टे, और अभी जितना कोविड का इतना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो यहाँ पे पूरा उसका प्रिकॉशंस लेके सब कुछ किया जा रहा है और मैं इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टेसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।